हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। अगर आप भी एक 100 सीसी की बाइक परचेज करने का सोच रहे हो जो 1 लाख के अंडर में हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 लाख के अंडर में आने वाली टॉप 3 बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको काफी बढ़िया लुक, फीचर, माइलेज और पावर देखने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं 4 व्हील्स। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 3 वाली बाइक से। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको काफी ज्यादा माइलेज और काफी बढ़िया लुक हो तो आपको होंडा की साइन 100 जरूर लेना चाहिए। ये बाइक होंडा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इस बाइक का जो लुक है वो आपको एकदम सिंपल प्रोवाइड करवाया गया है। बाइक के फ्रंट में आपको हेलोजन में हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाते हैं और बाइक के रेयर में आपको हेलोजन में टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको सीमित डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। ये बाइक आपको आराम से 70 प्लस का माइलेज दे देगी, जो कि काफी अच्छी बात है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। दोस्तों, अगर आपको एक बेस्ट माइलेज बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 70,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में, जो कि वैल्यू फॉर मनी बाइक है। दोस्तों, अगर नंबर 2 वाले बाइक के बारे में बात करें तो वो है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको 5 से 10 साल तक आपका साथ दे सके तो आप हीरो की स्प्लेंडर प्लस को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम भी लगता है और ये बाइक इंडिया में ज्यादातर सभी के दिलों में रहती है। बाइक के फ्रंट में आपको हेलोजन में हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाते हैं और बाइक के रेयर में आपको हेलोजन में टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक में दोस्तों आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 90,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में, वो भी ऑन रोड प्राइस पे। दोस्तों, अगर आप इस बाइक को परचेज करने का सोच रहे हो तो आप इस बाइक को आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। दोस्तों, अगर नंबर 1 वाली बाइक के बारे में बात करें तो वो है बजाज की प्लेटिना एच गियर। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको अच्छे माइलेज के साथ अच्छा ब्रेकिंग सेटअप भी प्रोवाइड करवाया जाए तो आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। बाइक के फ्रंट में आपको हेलोजन में हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाते हैं और बाइक के रेयर में आपको हेलोजन में टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाइक के जो DRL है दोस्तों वो आपको LED में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में तो बाइक में आपको डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको इस सेगमेंट में किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बाइक में आपको प्री इंस्टॉल हैंड गार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 115 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है। बाइक में आपको एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलता है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। दोस्तों, अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 95,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। दोस्तों, आपको इन तीनों बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।